मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल ने सोमवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश और मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में लगातार वृद्धि होना शर्मनाक और बेहद चिंताजनक है। कई मामलों में सामने आया है कि भाजपा के कार्यकर्ता महिलाओं या नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में शामिल है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी से जुड़े होने के कारण वे सिंकचों में जाने और कानून की शिकंजे से बच जाते हैं। ऐसे कई मामलों में पीड़ित या उसका परिवार सत्ता पक्ष की डर से पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है। इतना ही नहीं, बेलगाम महंगाई ने महिलाओं की कमर तोड़ दी है, जिससे रसोई से लेकर घर गृहस्थी के अन्य कामों में जिसका सीधा असर महिलाओं पर ही पड़ रहा है, जिससे परिवार चलाना और जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन भी नहीं मिल रहा है। पौष्टिक आहार व स्वच्छता की कमी से भी बीमार पड़ रही है। बावजूद इसके सरकारी अस्पतालों में महिला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक ही उपलब्ध नहीं है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा 28 अगस्त को राजधानी भोपाल में नारी न्याय आंदोलन के तहत बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इसी तरह आगामी समय में नारी न्याय आंदोलन को प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा। 28 अगस्त को रोशनपुरा भोपाल पर नारी न्याय आंदोलन का दूसरा चरण हम आयोजित करने जा रहे हैं, क्योंकि जो आरक्षण विधेयक मोदी सरकार ने संसद में पास किया था वो अभी तक लागू नहीं हुआ, और जैसा कि उन्होंने कहा था कि यह आरक्षण तब लागू होगा जबकि जनगणना हो जाएगी। हमारी ये मांग है कि इसको लागू शीघ्रता से लागू किया जाए। इसमें ओबीसी और अन्य वर्गों की बहनों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण दिया जाए, और इस आरक्षण को लागू करने के लिए चूंकि जनगणना आवश्यक है इसलिए शीघ्रता से जनगणना करवाई जाए ताकि महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही महिलाएं महंगाई और बेरोजगारी से भी बहुत अधिक परेशान हैं, तो उन्हें आर्थिक रूप से मदद करने के लिए सीधे उनके खाते में 1,00,000 रुपए जमा होने चाहिए, और जो महिलाएं बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं उन्हें नौकरी सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर हम लोग नारी न्याय आंदोलन का दूसरा चरण राजधानी में करने जा रहे हैं।